दिल्ली एनसीआर में मॉनसून हुआ एक्टिव, मौसम विभाग ने जारी किया आज बारिश का रेड अलर्ट। दिल्ली में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का आदेश, जल मंत्री आतिशी ने दी जानकारी। दिल्ली में कुछ घंटों की बारिश से सड़कें बनी झील, सड़कों पर जल जमाव से लोगों की बड़ी परेशानी। बारिश में दिल्ली की रफ्तार पर लगाया ब्रेक, कई इलाकों में सड़कों पर लगा लंबा जाम, लोग घंटों बारिश में फंसे रहे, जाम में फंसे रहे। दिल्ली के आईटीओ में बारिश की वजह से हुआ पुल के नीचे जल भराव, पानी में डूबकर सड़क पार करते दिखे कांवड़िए। दिल्ली में बारिश के बाद जल मंत्री आतिशी के घर के पास जल भराव, आतिशी के घर में घुसा बारिश का पानी। दिल्ली में मूसलाधार बारिश के बीच सब्जी मंडी इलाके में एक मकान गिरा, मौके पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। बिल्डिंग के मलबे में दबे एक शख्स का किया गया रेस्क्यू, शख्स को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली के दरियागंज में एक स्कूल की बाउंड्री वॉल गिरी, दीवार के मलबे में कई गाड़ियां दबी। दिल्ली के हौसखास में बारिश के बीच धंसी सड़क, बीच सड़क में गड्ढा बनने से लंबा ट्रैफिक जाम लगा। दिल्ली में भारी बारिश के बाद राजेंद्र नगर में फिर भरा पानी, सड़कों पर लगा लंबा जाम। दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में बीच सड़क पर बना गड्ढा, सुरक्षा को देखते हुए सड़क को किया गया बंद। गुरुग्राम में कुछ ही घंटों की बारिश के बाद तालाब में तब्दील हुई सड़कें, कई गाड़ियां पानी में तैरती नजर आईं। यूपी के गाजियाबाद में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई परेशानी, सड़कों और कई दुकानों में भरा बारिश का पानी। उत्तराखंड में हरिद्वार सहित कई इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट जारी, हरिद्वार के इलाकों में भारी बारिश की वजह से भरा पानी। उत्तराखंड के गौरीकुंड में मूसलाधार बारिश से तबाही की तस्वीर आई सामने, पानी की तेज धार में बह गई सड़क। हरिद्वार में भारी बारिश की वजह से एक मकान की छत गिरी, दो लोगों की मौत, नौ घायल। देहरादून में भी भारी बारिश की वजह से जल भराव, चकराता रोड पर बिंदाल नदी का जलस्तर बढ़ा। देहरादून में टपकेश्वर महादेव मंदिर कैंपस में पानी भरा, तेज बारिश की वजह से तमसा नदी का जलस्तर बढ़ा। उत्तराखंड के धनसाली में बादल फटा, बादल फटने से दो की मौत। केदारनाथ के भीमबली में भी फटा बादल, पानी की तेज धार में 30 मीटर पैदल पार पथ बह गया। उत्तराखंड के सीएम धामी ने केदारनाथ मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का निर्देश दिया, सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट से फोन पर बात की। अल्मोड़ा के धौलछीना में भी फटा बादल, भारी बारिश की वजह से बाड़ेछीना धौलछीना हाईवे पर ट्रैफिक को रोका गया। उत्तराखंड के नैनीताल में तेज बारिश बनी मुसीबत, लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। लखनऊ में बारिश में हुड़दंगियों ने काटा बवाल, बाइक सवार दंपति के साथ बदतमीजी की, महिला पर जबरदस्ती फेंकते नजर आए पानी। हुड़दंगियों का वीडियो वायरल होते ही लखनऊ में पुलिस का एक्शन, दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वायनाड में हुए लैंडस्लाइड में अब तक करीब 180 लोगों की मौत, 191 से ज्यादा लापता। अमित शाह का विपक्ष पर अटैक, कहा अर्ली वार्निंग का डेटा हमारी साइट पर भी, लेकिन कुछ लोग सिर्फ विदेशी साइट्स ही देखते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज करेंगे वायनाड का दौरा, लैंडस्लाइड के पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। वायनाड त्रासदी पर बोले गृहमंत्री अमित शाह, भारी बारिश और लैंडस्लाइड की दी थी चेतावनी, सरकार ने समय से नहीं उठाया कदम। अमित शाह के बयान पर केरल सरकार का जवाब, ब्लेम गेम का समय नहीं, किसने क्या किया सब जानते हैं। बंगाल गवर्नर ने भी वायनाड के राहत शिविरों का दौरा किया, लैंडस्लाइड प्रभावितों से बात की। लैंडस्लाइड की चपेट में वायनाड का 4.5 किलोमीटर का हिस्सा तबाह हुआ, जगह जगह टूटी फूटी गाड़ियां नजर आईं। संसद में आज भी हंगामे के आसार, जाति के मुद्दे पर विपक्ष कर सकता है हंगामा। अनुराग ठाकुर के बयान पर पीएम मोदी के ट्वीट करने पर भड़की कांग्रेस, चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया। जाति वाले बयान पर सियासत तेज हुई, संबित पात्रा ने कहा जाति पूछना अपमान कैसे, अनुराग ठाकुर ने किसी का नाम नहीं लिया। उद्धव ठाकरे की देवेंद्र फडणवीस को खुली चुनौती, कहा या तो मैं रहूंगा या फिर तुम। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का पलटवार, उद्धव ठाकरे का अहंकार जनता खत्म कर देगी कहा। रांची विधानसभा के अंदर बीजेपी विधायकों ने धरना दिया, हेमंत सोरेन सरकार पर वादा खिलाफी और तानाशाही करने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के करगिल में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया, पैराचिनार में शिया समुदाय के लोगों को टारगेट किलिंग को लेकर सड़कों पर उतरे। दिल्ली के राजेंद्र नगर में बारिश के बीच छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी, छात्रों ने की एमसीडी मेयर के खिलाफ केस दर्ज किए जाने और एलजी के इस्तीफे की मांग। दिल्ली कोचिंग हादसे पर एमसीडी का हाईकोर्ट की फटकार, पूछा राह चलते एक शख्स को क्यों किया अरेस्ट। दिल्ली के कीर्तिनगर में एक घर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू, घर में फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू। दिल्ली के गोकलपुरी में रोडरेज का मामला, स्कूटी सवार बदमाश ने महिला की गोली मारकर हत्या की। भारत दौरे पर आए वियतनाम पीएम से मिले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, दोनों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। 6 अगस्त से शुरू होगा भारतीय वायुसेना का अभ्यास तरंग शक्ति, 51 देशों को भेजा गया है निमंत्रण। इस्माइल हानिया की मौत के बाद खालिद मिशाल हो सकता है हमास का नया नेता, इजरायली हमले में बच गया था खालिद मिशाल। हमास नेता इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने दी बदला लेने की धमकी, इसराइल पर सीधे हमला करने का जारी किया आदेश। पेरिस ओलंपिक का छठा दिन आज हॉकी, बैडमिंटन, गोल्फ, निशानेबाजी समेत कई खेलों में भारतीय खिलाड़ी आज दिखाएंगे दमखम। भारत के लिए शूटिंग में आज मेडल मिलने की उम्मीद, स्वप्निल को साले 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मेंस इवेंट में दिला सकते हैं मेडल।